नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं अपने प्रगतिशील किसान कुशल पाल सिंह के फार्म पर। और इन्होंने जो वैरायटी लगाई है गन्ने की, वो लाई है PV95 और ये काफ़ी शानदार वैरायटी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशल पाल सिंह, ग्राम जेवड़ा। ग्राम जेवड़ा जी। पूरा एड्रेस बताइए। तहसील कांट, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद। तो ये जो वैरायटी है गन्ने की, कौन सी है? ये है जी PV95। तो कैसी वैरायटी दिखाई दे रही है? फिलहाल तो ये वैरायटी बढ़िया लग रही है और अगस्त महीने के लास्ट के हफ्ते की बोई हुई है। हाँ, काफ़ी वैरायटी अच्छी लग रही है ये और स्वस्थ है, इस पर कोई रोग भी दिखाई नहीं रहा। पत्तियाँ भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, तो है हरी हैं, बीमारी इसमें है नहीं। और ये दिखाइए गन्ने की मोटाई, दिखाइए इसे खोल के, पत्ती हटा कर। गन्ने की काफ़ी अच्छी मोटाई है, गन्ने की मोटी पोरियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गन्ना एकदम स्वस्थ है, और जबकि जो इसके पास में 0238 खड़ा है, इसे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बीमारियां हैं। अभी तक इसमें टॉप बोरर भी परेशान कर रहा है और पोको विंग भी इसमें है, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी हालत ख़राब है। और गन्ना 0238 तो अब एक तरह से जाता हुआ दिख रहा है, इसमें तरह तरह की बीमारी आने लगी हैं। सबसे बड़ी टॉप बोरर है, पोका बोइंग है, और भी कई तरह की बीमारी आने लगी हैं। लेकिन आप इसे देख सकते हैं, ये 0238 है और ये PV95 है। PV95 एकदम स्वस्थ खड़ा है, इसकी हरी हरी पत्तियां हैं, गोला भी काफ़ी, इस पर कांटे भी नहीं हैं, पशु चारा भी अच्छा खाएंगे। तो आपने इसमें लगाते समय क्या देखभाल रखी? लगाते समय यही देखभाल रखी, मान लो कोई रोग तो नहीं लग रहा, लेकिन इसमें कोई रोग उस समय से लगा ही नहीं था। पच्ची पे इस पे सीरा साग ही लगाई, सीरा साग ही, हाँ, कीटनाशक कोई नहीं लगाया। और जब से लेके अब तक मात्र 2 यूरिया का इसमें प्रयोग किया है। तो आपने यूरिया की भी कम मात्रा प्रयोग किया है और कीटनाशक में केवल सीरा साग ही लगाई है। सीरा साग ही पच्ची पे लगाई थी खाली, बुवाई के समय टुकड़ों पर इन्होंने लगाई थी सीरा साग ही। और गन्ना एकदम स्वस्थ रहा है, काफ़ी अच्छा गन्ना हो रहा है। और आशा ये करते हैं कि ये जो है 0238 से एकदम अच्छा गन्ना होगा और आगे चलकर ये गन्ना नोटिफाइड भी होगा। और इसकी जो उपज है काफ़ी अच्छी दिख रही है, ये करीब आपका 800 कुंटल से ऊपर का एवरेज दे सकता है एकड़ का, अगर इसी प्रकार ठीक ठाक चलता रहा तो। अच्छा, गिरने की भी इसमें कोई समस्या नहीं है? नहीं, गिरने की भी नहीं है, हमने तो इसमें गूले भी नहीं चढ़ाई हैं अभी। गूले भी नहीं चढ़ाई? हाँ, तो मिट्टी तो चढ़ानी चाहिए, मिट्टी किसी कारण बस चढ़ नहीं पाई थी, उस समय बरसात हो गई थी इसलिए जो मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी। फिर भी गन्ना गिरा नहीं है और काफ़ी अच्छा गन्ना है, गन्ने की मोटाई काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रोग नहीं है। तो आप अपना एक बार पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह बता दिए। गांव जेवड़ा, तहसील कांट, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद। और मेरा मोबाइल नंबर है 8958949692। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।